हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने हर रोज की तरह आपको आज सुबह भी टेलीग्राम पे टॉपिक दे दिया था, और अब तक आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने उस टॉपिक पे लिख लिया होगा, क्योंकि अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि बिना लिखे पेपर टू के जो टॉपिक्स हैं वो आपके हाथ में नहीं आएंगे। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर टू के मार्क्स गेम चेंजर होते हैं, सबको पता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है ऑनलाइन गेमिंग। तो ऑनलाइन गेमिंग क्या है, मैंने क्या आपको टॉपिक दिया था, ऑनलाइन गेमिंग एंड इमर्जिंग सेक्टर। तो हम पहले इंट्रोडक्शन, हमें उसका रेगुलेशन, वे फॉरवर्ड और एक कंक्लूजन जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है उसको देखेंगे। तो ऑनलाइन गेमिंग हैज फ्लरिश ड्यूरिंग द पैंडेमिक ड्यू टू, देखिए पैंडेमिक के टाइम क्या हुआ, सब लोग ऑनलाइन गेमिंग, कुछ काम नहीं था तो ऑनलाइन गेमिंग की तरफ चले गए। जो एवरेज टाइम स्पेंड था ऑनलाइन गेमिंग में वो 65% से ऊपर चला गया। 43 करोड़ से भी ज्यादा लोग अपना जो समय है वो वर्चुअल गेमिंग में बिताते हैं। जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है भारत में, वो 275 गेमिंग कंपनीज, 15,000 गेम डेवलपर और 300 मिलियन गेमर्स के साथ है। और रिसेंटली अभी पार्लियामेंट ने एक कमेटी बैठाई थी कि हम रेगुलेट कैसे करें ऑनलाइन गेमिंग को। तो हम देखेंगे जरूरत क्या है ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने की। तो गेमिंग एडिक्शन, सबको पता है कि पबजी खेलते खेलते भाई इतना एडिक्शन हो गया कि लोग खाना खाना भूल जाते हैं। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, अब देखिए आप गेमिंग एडिक्शन आपको फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इम्पेयरिंग स्लीप, एपेटाइट्स, कैरियर, सोशल लाइफ आपकी तबाह कर सकता है, जिसका डिप्रेशन में भी जा सकते हैं लोग। जैसे कि ब्लू व्हेल चैलेंज था, जो ये सब जो बैन हो गए थे वायलेंस और सुसाइड के बाद। तो इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एक मेजर इशू है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स पे आ जाइए, देखिए जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है वो 29,000 करोड़ रुपए जनरेट कर सकती है 2025 तक, और 65.7 करोड़ यूजर होंगे। तो आप सोचिए इकोनॉमिक बेनिफिट कितना ज्यादा है। ऑफशोर गैमलिंग वेबसाइट्स, अब देखिए अभी क्या है, ऑनलाइन गेमिंग इंडिया में इतनी रेगुलेटेड नहीं है, तो क्या हो रखा है कि भाई ऑफशोर गैमलिंग वेबसाइट बन रखी है। इससे क्या होता है, जो ये सारी टैक्स हेवन में है ज्यादातर, इंडियन यूजर से पैसा लेती है, कमाती है, लेकिन इंडिया में 1 रुपया टैक्स नहीं भरती। तो इंडिया का जो टैक्स लॉस हो रहा है वो बच सकता है। डाटा प्राइवेसी का इशू है कि ऑनलाइन गेमिंग बिना पूछे यूजर्स का पर्सनल डाटा चुरा लेती है और उसको यूज करती है। आप असुर टू देखना, एक वेब सीरीज है असुर टू करके, अभी मत देखना, एग्जाम के बाद देखना, अब तो एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा है। तो आप जब एग्जाम के बाद इसको देखोगे तो प्लीज एक बार असुर टू को जरूर देखना। तो असुर टू देखने के बाद आपको पता चलेगा हाँ कि डाटा प्राइवेसी का थ्रेट कैसे होता है। अब सरकार क्या कर सकती है इसको करने के लिए, तो सबसे पहले तो सेक्शन 69A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, जितने भी बैंड है, जो प्योर गैमलिंग वेबसाइट है जो कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर से बंद किया था, उनको बैन कर सकती है। दूसरा क्या कर सकती है, गेमिंग अथॉरिटी बना दीजिए केंद्र केंद्र के लेवल पे। इससे क्या होगा, जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबल के साथ साथ हम उसको मॉनिटर कर पाएंगे। तीसरी चीज, जो इलीगल वेबसाइट्स हैं, जो सेंटर की जुड़ी, देखिए इलीगल वेबसाइट को अगर बैन करना है तो केंद्र सरकार कर सकती है, इसमें केंद्र सरकार महाराष्ट्र पुलिस मॉडल को यूज कर सकती है। चौथी चीज, देखिए अवेयरनेस जनरेशन की, भाई ये बैंड वेबसाइट्स हैं इनको यूज नहीं करना है, और इस बारे में अगर हम अवेयरनेस जनरेट करें तो हम मेजोरिटी जो फ्रॉड्स होते हैं ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू उनको रोक सकते हैं। लास्टली हम एक टाइम लिमिट लगा सकते हैं बच्चों के लिए, जैसे कि चाइना ने लगाई। चाइना ने जितने भी 18 साल से कम बच्चे हैं उनको जस्ट 3 घंटे की ऑनलाइन गेम्स पर वीक की परमिशन दी है। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, सेंट्रल कानून ला सकता है। एंड में हम एक कंक्लूजन देखेंगे जो कि एक बैलेंस्ड होगा, कि ज्यादा से ज्यादा युवा जो है ऑनलाइन गेम्स की तरफ जा रहे हैं। इसकी रोशनी मतलब इसको कंसिडर करते हुए ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करना ही पड़ेगा भारत में। इससे ज्यादा जो रेगुलेशन है ऑनलाइन गेमिंग के, वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ही नहीं बल्कि सोशल कॉस्ट भी जो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से इमर्ज हो रही है, जैसे हेल्थ इफेक्ट हो गए, सोशल इश्यूज हो गए, क्या बोलते हैं, जॉब लॉस हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब भी रिजोल्व हो सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको टॉपिक दिया था ऑनलाइन गेमिंग एंड इमर्जिंग सेक्टर, मैंने इंट्रोडक्शन से उसको प्रूफ कर दिया, उसमें जो दिक्कतें चल रही थी उनको क्यों रेगुलेट करना है उसके मैंने आपको पूरा ब्यौरा दे दिया, सरकार इस कंटेक्स्ट में क्या कर सकती है वो बता दिया, और एंड में कंक्लूजन दे दिया। तो आज के लिए आई इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर CAPFAC 2023। आई होप आप सबका सिलेक्शन हो जाए।